नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीके में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हुए हैं दोस्तों, ताकि आपका बिजली बिल हम जीरो कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे हिसाब से अगर चलते हैं तो इतना लंबा बिल भरने का जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने हिसाब से बिजली बिल डालिए और बिजली यूज कीजिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। यदि अगर ऐसा मीटर आप पहले से डाले हुए घर में निकाल कर फेंक दीजिए, ये भी अगर मीटर डाले हुए हैं तो निकाल कर फेंक दीजिए। ऐसा मीटर का प्रयोग कीजिए दोस्तों, ताकि आपका बिजली बिल बिल्कुल कम हो जाए। ये जो मीटर है रीडिंग करने के लिए आता है, इतना लंबा बिल चला के चले जाता है। आप एक बल्ब जलाइए, पांच बल्ब जलाइए, 100 वाट का बल्ब अगर जल्दी जलाते हैं, एक मंथली का बिल थमा देगा 1500 रुपए का। ये मीटर भी अगर डाले हुए अपने घर में तो आपके घर का भी उसी तरह से हाल रहेगा। रीडिंग करने के लिए आएगा, इतना लंबा बिल थमा के चले जाएगा। आप ऐसा बिजली का प्रयोग कीजिए दोस्तों, आप ऐसा मीटर का प्रयोग कीजिए ताकि आपका बिजली बिल बिल्कुल छोटा हो जाए। जो कि आज हम बताएंगे आपको कि आपका बिजली बिल छोटा क्यों हो जाएगा। आपका अगर मंथली में 1500-2000 रुपए का अगर यदि आता है तो ये मीटर अगर यदि जाते हैं दोस्तों तो बिल्कुल 300-350 रुपए हो जाएगा। इतना का डिफरेंस हो जाएगा आपको। ये वाला मीटर रीडिंग करने के लिए आते हैं, इतना लंबा बिल थमाता है और कहेगा क्या दोस्तों कि आपके घर में ज्यादा बल्ब यूज होता है, आपके घर में टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, इसीलिए इतना लंबा बिल आता है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप तो कहते मेरे घर में कुछ है ही नहीं, ऐसा ऐसा ट्रिक करता है लोग। रीडिंग करने का तो तरीका मालूम है नहीं, नहीं रीडिंग करने का तरीका होने की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, कोई भी इसका अंक उठाया और बिजली बिल पे डाल दिया और इतना लंबा बिल थमा के चला जाता है दोस्तों। ये मीटर का भी वही हाल है, ये मीटर का भी वही हाल है। अब आया है दोस्तों स्मार्ट मीटर, जो कि अगर स्मार्ट मीटर डालते हैं तो आपके घर कोई चोरी करने नहीं आएगा, कोई रीडिंग करने भी नहीं आएगा। यदि अगर रीडिंग करने के लिए आता है तो आप उसको बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई आपके घर पे टच करने के लिए नहीं आएगा दोस्तों। ये मीटर अगर यदि लगाया हुआ है तो हर मंथ का बिल निकालने के लिए आ जाता है। जानकारी नहीं होने के अभाव में क्या करते हैं दोस्तों, जो जितना बिल निकाल के दे देता है आप दे देते हैं। लेकिन हम यही बात कहेंगे दोस्तों आपसे, ये दोनों अगर मीटर आपके घर में लगा हुआ है तो आप निकाल कर फेंक दीजिए, आप इस मीटर का प्रयोग कीजिए। ये मीटर आपके हिसाब से चलेगा, आप जितना पैसा इसके अंदर डालिएगा उतने का आप बिजली बिल चला सकते हैं। जो भी एसी चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, बल्ब जलाना हो, टीवी चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, जो भी चीज आपको यूज करना आप धरल्ले से यूज कर सकते हैं। इसमें आपसे कोई बिजली बिल मांगने नहीं आएगा। अगर यदि ये दोनों मीटर है तो इतना लंबा लंबा बिल आपके पास थमा के जाएगा, फिर आप परेशान रह जाइएगा। आप ये मीटर यदि आपके घर में है तो हम यही कहेंगे दोस्तों, आप इस मीटर को उखाड़ फेंकिए और स्मार्ट मीटर डालिए। इस मीटर में आप जितना का रिचार्ज कीजिएगा उसी अनुसार से आप अपने घर में बल्ब जला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, फिर भी ज्यादा का बिल नहीं आएगा दोस्तों। ये मीटर के सामने समझिए कि एक चौथाई, यानी कि अगर 1000 है तो 250 रुपए के हिसाब में ये आपका बिजली बिल चलाएगा। लोग के भर में जा रहा है दोस्तों कि ये वाला मीटर लगा, ये वाला मीटर का अच्छा रीडिंग देता है। रीडिंग तो अच्छा देता है दोस्तों, पर इतना लंबा लंबा बिल भी चला के जाता है। ज्यादा रीडिंग हो गया तो कहेगा 10,000-15,000 रुपए आप हमको दीजिए, फिर हम इसको जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद क्या होगा, कुछ दिन तक वो जीरो रहेगा आपके बिल के हिसाब से, बाद में आपको फिर इतना लंबा थमाएगा, कहेगा कि आपके यहां तो ज्यादा बिजली खपत है तो हम क्या करें, अपना देह निकाल के चला जाएगा। ये यदि मीटर लगाते हैं तो आपके घर में कोई रीडिंग करने नहीं आता है। आप अपने से भी इसको रिचार्ज कर सकते हैं, आप अपने से जैसे रिचार्ज कीजिएगा आपके घर में बिजली चालू हो जाएगा। अगर इसमें एनी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसका भी एप्लीकेशन आता है दोस्तों, उस एप्लीकेशन के जरिए आप देख सकते हैं कि मेरा घर में पर डे कितने का बिजली यूज होता है। पर इसमें आप नहीं देख सकते हैं, इसमें भी आप नहीं देख सकते हैं। नहीं देखने के तरीके में क्या होता है, इतना लंबा लंबा बिल थमा के चला जाता है, आप हो जाते हैं परेशान और हम भी परेशान कहीं ना कहीं हुए हैं दोस्तों। परेशान होने के नतीजे हम ऐसा वीडियो हम आपके बनाकर आपके सामने में कर रहे हैं। लास्ट में हम क्या किया दोस्तों, स्मार्ट मीटर का प्रयोग किए। आज मेरा बिल्कुल पहले का अपेक्षा, जिस समय 2500-3000 रुपए बिल भरते थे, आज वही बिल मेरा 700-800 रुपए का हो गया, जो कि जितना हम पहले बिजली यूज करते थे उतना आज भी हम यूज कर रहे हैं।
इसीलिए दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप स्मार्ट मीटर का प्रयोग कीजिए और अपने घर को रोशन बनाइए और पैसा भी बचाइए दोस्तों। यदि ये सब मीटर अगर अपने घर में रखे हुए हैं तो आप कभी भी पैसा नहीं बचा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर कीजिएगा तो हर भाई के इस वीडियो से फायदा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ। नमस्कार।